الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاه والسلام على من ارسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى اله واصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعاء رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير रबिश राहली सदरी वसरली अमरी वहदनी कौली मरहम्ना बिलकुर बाबुल अनुारिया एजुकेशनल सोसाइटी व जामिया अनवारिया हैदराबाद इंडिया के जेर अहतमाम तफसर नसफी की वीडियो रिकॉर्डिंग किस्तवार जारी है हमारा आज का बयान पारा नंबर सोलह सूरह नंबर अठारह की आयत नंबर 99 से शुरू होता है व तरक ना बाहम यो मैजिन उस रोज़ हम लोगों को छोड़ देंगे उस रोज़ हम लोगों को छोड़ देंगे तरक्ना उस रोज़ हम लोगों को छोड़ देंगे कि समुंदर की मौज़ों की तरह यमू जुफ़ी बाज़ बाहूँ यमू जुफ़ी बाज़ के समुन्दर के मौजों की तरह एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हूँ मुफसर कहते हैं गुत्थम गुत्था हों यानि तरबून लोग झूमेंगे और एक दूसरे से गथ जाएंगे यखलेतून मिल जाएंगे। इन हम व जिन हम हया इंस सब हैरान परेशान होंगे उस रोज़ क़यामत के रोज़ जजूस एकून ज़मीर पहली तफसर मुफ़िर ने जो तफसर की उस तफसर में इशारा किया कि हाँ उस रोज़ से मुराद क्या मत का रोज़ है क्या मत के रोज़ है और राबत जुलकर ने जो इशारे जो इशारा क्यामत के वाद बरहक़ की तरफ किया था किया था फ़ाजा रब्बी व नवादो रब्बी हक्का उसी की मुनास्सबत से ये फिक्रे यानी व तरक नबाज हम यो मैज़िन यमोजोफ़ी बाज़ व नफ़ खफसूर फ़ जमाना हम जम आ ये फ़िक्रे उस कॉल पर इजाफ़ा करते हुए अल्लाह रब्बुल रबुलज इरशाद फरमाता है कि उस रोज़ यानी क़यामत के रोज़ तो पहली तफसीर ये थी इसके बाद मुफसर कहते हैं इसकी एक तफसीर और हो सकती है बाज हुम में जो हुम की ज़मीर है अभी इससे मुतसिल जुलकरनैन के किस्सा में याजूज और माजूज का ज़िक्र हुआ तो मुमकिन है ये ज़मीर याजूज और माजूज़ की तरफ पलट रही हो ऐसा भी हो सकता है इस बात का भी एहतमाल है ऐसा मुफसर कहते हैं व य यकून ज़मीर ले याजूज़ व माजूज मा हो सकता है मुमकिन है अहतमाल है कि ये ज़मीर याजूज और माजूज की हो वह हम यमूजून ही न यखरुजून कि ये याजूज और माजूज जब दीवार जुलकर नायन तोड़कर दीवार के पीछे से निकलेंगे तो जमीन पर इस देहांत की शक्ल में मौज़े मारते हुए निकलेंगे वो रोवे है और मरवी है कि ये याजूज और माजूज जब दीवार के पीछे से दीवार को तोड़कर अंदर की ज़मीन में दाखिल होंगे तो मरवी है अनुम या अलबाहर कि जब ये समंदर में आएंगे तो उसके पूरे पानी को पी जाएंगे व याकुल्लू न दवाब बहू और समुंदर के तमाम जानदारों को चट कर जाएंगे खा लेंगे सोमयाकुल्लू नशर फिर जब समर के तमाम जानदारों को चट कर लेंगे तो फिर दरख्त को भी खाएंगे। व मन फफ़िर नास और इंसानों में से भी जिसके ऊपर कामयाब होंगे उसे भी खा लेंगे तो ये सारी ज़मीन में दाखिल होंगे वला यकदरुना तो मक्मदीनता वैतलमकतिस मगर ये मक्का और मदीना और बैतलमस में दाखिल नहीं हो सकेंगे सारी ज़मीन में ये घूमेंगे गश्त लगाएंगे, फिरेंगे और ज़मीन के तमाम खाए जाने के लायक चीज़ को खाकर चट कर जाएंगे यहाँ तक कि बहुत इंसानों को भी खा जाएंगे तो अपने इस चक्कर में ये मक्का और मदीना और बैतुलस की तरफ भी रुख करना चाहेंगे मगर वला यकदिरू ना या तो मक्का वल मदीना तो वैतुलमकद मगर ये मक्का और मदीना और बैतलमस में नहीं दाखिल हो सकेंगे तो जब ये निकल करके आएंगे खूब हंगामा मचाएँगे हमारी इस ज़मीन पर खूब हंगामा मचाएंगे और ख़ल के ख़ुदा को इंसानों को ख़ूब सतएँगे फ़ुम अबास नग़ा फ़ी अकफ़ा फिर अल्लाह रबुल्ज़त इनकी गुद्दियों में एक कीड़े को पैदा फ़रमाएगा भेजेगा नागफा कीड़ों को नागफा कीड़ों को ये नगफा की जमा है फिर अल्लाह ताला इनके गुद्दियों में कीड़ों को भेजेगा तो तो इनके कानों में कानों में ये कीड़े दाखिल होंगे फैमतून इस से इस ज़रिए से इनकी मौत होगी और ये सब मर जाएंगे तो अल्लाह इज़्ज़त फरमाता है वह तरक नाबाज़ हम यह तो दूसरी तफसीर थी कि यह ज़मीर याजूज और माजूज की तरफ भी पलट सकती है मगर इसको मुफसर ने दूसरे नंबर पर रह करके कर, रख कर करके इशारा कर दिया कि ये अहतमाल ज़ीफ़ है और पहला अहतमाल कवि है यानी उस रोज़ हम लोगों को छोड़ देंगे उस रोज़ क़्यामत के रोज़ क्यामत से पहले के रोज़ की बात नहीं है और ये ज़्यादा मुनासिब है उस रोज़ हम लोगों को छोड़ देंगे कि समंदर की मौजों की तरह एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हों वन फफिस और क़िया के लिए क्यामत की घड़ी के क्याम के लिए सूर फूँका जाएगा फ़माना हम जम आ सूर फूँका जाएगा तो हम एक साथ तमाम हलैक को इकट्ठा करेंगे तमाम लोगों को एक साथ इकट्ठा करेंगे फजमा ना हम तो तमाम लोगों को एक साथ इकट्ठा करेंगे हम यानी जमी अल तमाम ख़लाक को इकट्ठा करेंगे उस रोज़ क्यों सवाब विकाब के लिए जब आ ये ताक़ीद है एक साथ उन्हें इकट्ठा करेंगे वारस ना जहन दिल काफ्रीन अर्जा और वो दिन होगा जब हम जहन्नम को काफिरों के सामने लाएंगे यो दिन और ये वो दिन होगा जब जहन्नम को हम काफिरों के सामने लाएंगे अरजना ए हर नाहा मुफसर कहते हैं यानी जहन्नम को उनके सामने कर देंगे फ़राउहा तो वो इस जहन्नम को देखेंगे और उसका मुशाहदा करेंगे कान आय फीता अन ओ वान लायस्तून समा उन काफिरों के सामने जो मेरी नसीहत से जो मेरी नसीहत से जिनकी आँखें मेरी नसीहत से बंद थी और कुछ सुनने के लिए तैयार न थे अज़ी न कानत आयन हूँ उन काफिरों के सामने जिनकी आँखें मेरी नसीहत से बंद थीं जिन्होंने अपनी आँखों को मेरी नसीहत से बंद कर लिया था वकान लायस्तियों नसम आ और वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे एक दूसरा तर्जुमा वह कानस्तियों और वो कुछ सुन नहीं सकते थे यानी उनमें मेरी नसीहत को सुनने की ताकत नहीं थी अलजी कानत आय फीत अन जिक्री जिनकी आँखें मेरी नसीहत से मेरे जिक्र से पर्दे में थी मुफसर कहते हैं जिक्री से मुराद है अन आयाती मेरी आयात से जिनकी तरफ वो देखा भी करता था उन आयात से अंधे बने हुए थे तो ज़िक्र से मुराद अल्लाह की निशानियाँ जो बेपना हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है अल्लाह की निशानियों में से ज़मीन भी है आसमान भी है सूरज भी है चाँद भी है और बेपनाह चीज़ें हैं समझ रहे हैं इनसे अंधे बने हुए थे कि इन अल्लाह की निशानियों में से किसी में किसी में ग़ौर करने की गौर करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं किए इनकी तरफ़ इस नज़र से देखे ही नहीं कि ये अल्लाह की कैसी निशान, निशानी है ये निशानी इस बात की है कि इनका वजूद बख्शने वाला और इनका चलाने वाला ज़रूर कोई है और वो अल्लाह है तो जिनकी निगाह है मेरे ज़िक्र से यानी मेरी आयत से गेता में थी परदे में थी ढक्कर में थी जिक्र से मुराद आयात है मेरी आयात से जिनकी तरफ वो नज़र किया करते थे तो जिक्र से मुराद या तो मेरी वो निशानियाँ हैं या मुफसर कहते हैं कि यहाँ जिक्र से मुराद कुरान है उन काफिरों के सामने जिनकी आँखें मेरी नसीहत से अंधी बनी हुई थी यानी कुरान से अंधी बनी हुई थी तो ज़िक्र से मुराद इस जगह कुरान है इस जगह कुरान है कुरान को अल्लाह इज़्ज़त ने ज़िक्र ही कहा जिक्र से मुराद यानी जिक्र की इजाफत अपनी तरफ किया तो मुफ़िर कहते हैं कि ये ताज़ीम के लिए ये किसके लिए इजाफत किसके लिए है ताज़ीम के लिए जैसे कि बोला जाता बैतुल्ला बैत की इजाफत अल्लाह की तरफ़ अल्लाह का घर ये इजाफ़त तज़ीम के लिए या ज़िक्र से मुराद कुरान ही है जिनकी आँखें मेरे ज़िक्र से गफलत में थी अंधी बनी हुई थी ज़िक्र से मुराद कुरान है यानी कुरान के मानी में तमुल से वो अंधे बने हुए थे ऐसा मुफसर कहते हैं वो कान लायास्तती ऊन सम आ और कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे एक तर्जमा और मुफसर जो तफसीर कर रहे हैं उसके मुताबिक इसका तर्जमा ये होगा वह कान लायस्तती ऊन सम आ और कुछ सुनने की ताकत ही नहीं रखते थे यानी कान अन मेरे ज़िक्र से बहरे थे मेरे ज़िक्र से बहरे थे तो कानों लाअती न समा कमाना हुआ कानू सुमन अन मेरे ज़िक्र से मेरे ज़िक्र से बहरे थे तो ये लब ये जुमला भी आ सकता था कहते हैं अला अब लग मगर जो जुमला जो फ़िक्र लाया गया है वो इस फिक्रे सुमन से अब लग है क्यों इसलिए कि बहरा शख्स कभी सुन भी लेता है अगर उसके सामने चीखा जाए मगर ये हाउलाए कान हम उसमें तस्मा हूँ मगर ये गोया के इनके कान ऐसे बहरे थे कि इनमें सुनने की ताकत ही नहीं थी कफ़रु गफ़रु मिन तखज़ु इबादी मिन इबादी औलिया तो क्या ये लोग कफ़रु तो क्या ये लोग जिन्होंने कुफ़्र इख्तियार किया है लजीना का फरू ए तो क्या ये लोग जिन्होंने कुफ़्र किया है हासिब ये ख्याल रखते हैं अयत तखेजु इबादी मिंदूनी अलिया के मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज़ बना लें तो क्या ये लोग जिन्होंने इख्तियार किया है ये ख़्याल रखते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज बना लें ऐज़न कुफार इतम इबादी इस तफसीर में क्या काफिर ये ख्याल करते हैं मेरे इत हूँ अपने मेरे बंदों को अलिया बना लेना ये इस तफसीर में एक तो इशारा ये करना चाह रहे हैं कि हसब जन्ना के माने में है अज़ीनः कफ़रु उसका फ़ाइल है और आई यद तखेज़ इबादी आय तखेज़ इबादी मफूल है अन मसदरिया मौसू हरफ़ी यद तखेज़ इबादी मिंदोनी अलिया ये उसका अयद तखेज़ इबादी उसका मफ़ूल है अफजन नल्कुफ़ार इत जम इबादी तो क्या काफिर जिन्होंने कुफ़्र का रवैया अख्तियार क्या है क्या ये लोग जिन्होंने कुफ़्र का इख... रवैया अख्तियार क्या है हसीब ख्याल करते हैं ये ख़्याल रखते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को मेरे बंदे से क्या मुराद है फरिश्ते और सलाम फ़रिश्ते और ईसा सलाम को अलिया बना लेना आलिया बना लेना उनको नफा देगा तो पूरी भारत हुई अफजल नल कुफार कुफारों इत्तिहाज हूँ इत्तिहाज हूँ आलिया नफा हूँ तो क्या क्या कुफार मेरे बंदों को लिया बना लेने से ये गुमान करते हैं कि ये ये मेरे बंदे उन्हें नफा पहुंचाएंगे नफ़ा पहुंचे बे बहुत ही बुरा खयाल है उनका उनका कि के, के मेरे ये बंदे उनको नफ़ा पहुंचाएंगे. वकील अन बेसिलत बेसिलतहा शुद्ध मसद मफूल अफहाल ये है कि अन अपने सिला के साथ अन अपने सिला के साथ यद तखेज़ इबादी मंदूनी अलिया में अन मौस, कहना ये चाह रहे हैं अन मौसूल हरफी है और यद तखेज़ इबादी मिंदूनी अलिया पूरा जुमला इसका सिला है तो इसको कह रहे हैं अन अपने सिला के साथ क्या है हसे के दो मफूल के कायम मक़ाम है ये क्या बताना चाह रहे हैं यानी हसे फ़ाइल तो अल्लाजीन का फ़रूह है और हसे ऐसा फ़ेल है जिसको दो मफूल चाहिए तो कह रहे हैं ये जुमला दो मफूल के कायम मकाम है व इबादी लिया मफूला अन इबादी और अलिया ये इबादी और ओलिया ये इबादी और अलिया मफूला ओला अत तखेज़ु अत तखेज़ु के दो मफूल हैं ये एक दूसरी बात वो ये कि इबादी पहला मफूल ओलिया दूसरा मफूल इतिहास को भी दो मफूल चाहिए तो इत के दो मफूल में से पहला मफूल इबादी है और दूसरा मफूल अलिया है ऐसा मुफसर बताना चाह रहे हैं कि इबादी अलिया ये दोनों आयत तखज़ू के दो मफूल हैं वहाज़ा और और ये ज़्यादा सुथरी बात है ज़्यादा वाज बात है तो मतलब क्या हुआ लहुम अलिया ये मेरे बंदे कुफर का रवैया अख्तियार करने वालों के लिए कारसाज नहीं होंगे इन्ना आतदना जहन्नमिल जहन्नमकाफरी ननजुल् हमने ऐसे काफिरों की ज़ियाफ़त के लिए जहन्नम तैयार कर रखा है जिन्होंने मेरे बंदों को मेरे बंदों को कारसाज़ बना रखा है ऐसे काफिरों के लिए हमने जहन्नम तैयार कर रखा है मेरे ये बंदे उनको कुछ भी नफ़ा नहीं पहुंचाएंगे। हुआ मा युकाम नजील ये तफसीर किसकी है नज़ुल की जिसका तर्जुमा हमने ज़ियाफ़त से किया इन काफिरों की ज़ियाफ़त के लिए नज़ुल की तफसीर करते हैं नज़ुल वो है जो नजील यानी मेहमान के लिए कायम किया जाता है मेहमान वग़ैरह के लिए यानी मेहमान का खाना मेहमान की ज़ियाफ़त के लिए जो तैयारी की जाती है उसको नज़ुल कहते हैं तो इन काफिरों की ज़ियाफ़त के लिए हमने जहन्नम को तैयार कर रखा है वबशर हम बेअाब नलीम तो इनको दर्दनाक अजाब की ख़ुशखबरी सुना दो कि तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब है तुम्हारे इस नजरिए की वजह से कि तुमने मेरे बंदों को मुझे छोड़कर कारसाज बना लिया है कुल हलनबुम बिलअसरी न आमला ए महबूब इनसे कहो कुल ए महबूब इनसे कहो ए नबी इनसे कहो हल्ल नब्बी कम क्या हम तुम्हें बताएं, बिल बिलअसरी नामाला, कि अपने आमाल में सबसे ज़्यादा नाकाम और नामुराद लोग कौन हैं हम तुम्हें बताएँ अजीन साय इससे पहले देखते हैं मुफ़िर क्या कहते हैं आमाला मुफसर कहते हैं एक नहवी गुफ्तु यानी एर को बयान करना चाह रहे हैं कि आमालन को नसब है तमीज़ के बिना पर तमीज़ मंसूब हुआ करती है मगर जैसा कि इन्होंने वाजह किया कि तमीज़ है इस पर एक सवाल ये है कि तमीज़ तो हमेशा वाहिद हुआ करती है आमाल जमा है तो कहते हैं यहाँ तमीज़ जमा लाई गई है क्यास तो इस बात का तकाज़ा करता कि तमीज़ मुफरद हो जमा क्यों लाई गई ख़्वाहिशात के तनवों को बताने के लिए यानी इनकी ख्वाशा के तनवो को बताना था इसलिए आमाला को जमा लाया गया अमलन की जगह तो ये महबूब इनसे कहो कि हम तुम्हें बताएं अपने अमाल में सबसे ज्यादा नाकाम और नामुराद लोग कौन हैं कौन है, है? अल्लाजी फिलहत ये वो लोग हैं जिनकी सारी कोशिश दुनिया की ज़िंदगी में गुम होकर रह गई जिनकी सारी कोशिश दुनिया की ज़िंदगी में गुम होकर के रह गई यानी उन्होंने जो कुछ भी किया खुदा से बेनियाज और आख़रत से बेफ़िक्र होकर सिर्फ दुनिया के लिए किया दुनियावी ज़िंदगी को ही असल ज़िंदगी समझा दुनिया की कामयाबियों और खुशहालियों को ही अपना मकसूद बनाया खुदा की हस्ती के अगर कायल भी हुए तो इस बात की कभी फिक्र ना की कि उसकी रजा क्या है हमें कभी उसके हुजूर जाकर अपने आमाल का हिसाब देना है इस बात की परवाह ना की अपने आप को महस एक ख़ुद मुख्तार गैर जिम्मेदार इंसान समझते रहे जिसके लिए दुनिया की इस चिरागाह से फ़ायदा उठाने के सिवा और कोई काम नहीं है तो ये वो लोग हैं जिनकी सारी कोशिश दुनिया की ज़िंदगी में गुम होकर रह गई वह यह सबून हालांकि वो समझते रहे अनहुम यु सिन सोना कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं मगर अल्लाह रब्बुल इजत फरमाता है सबसे नाकाम ये लोग हैं। हैंजीन दल वाल यहाँ ज़ल जिया और बुतलान के माने में है यानी जिनकी सारी कोशिश ज़ाये हुई बातिल हुई दल हम वह वफ़ी महलर रफ़ एज़ीन ये रफ़ा की जगह में है ये रफ़ा की जगह में है यानी ये ख़बर है मुबदाय महजूफ़ की और जो मुकद्दर है वो हम है तो इबारत ये हुई अ लजीन दलसाहम हमालजीन दलसायम ये वो लोग हैं जिनकी सारी कोशिश साए और बर्बाद हुई वो वुम यह सबून हालांकि वो समझते रहे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी सारी कोशिश ज़ाय और बर्बाद हुई उलायक लजीन कफ़रूब आयात रब आम फ़ला नौमल्या ये वो लोग हैं जिन्हों वो लोग हैं जो अपनी रब की आयात को मानने से इनकार किए ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयत के साथ कोफर किया व ही और अपने रब की मुलाक़ात का इनकार किया फ़े तत्त तो उनके सारे आमाल ज़ाय हो गए फ़लाँ नकीमलह यौम क्या मवज़ना क्या मत के रोज़ हम उन्हें उन्हें कोई वज़न नहीं देंगे यानी फ़लाँ यकून इंदना वज़न हमारे यहाँ हमारे पास उनके लिए कोई वज़न और मकदार नहीं होगी क्यों इसलिए कि उसके सारे मकसद दुनिया तक महदूद थे और नतज भी दुनिया ही में मतलूब थे और दुनिया में वो अपने नतज अमल देख भी चुका तो उसका सब क्या कराया दुनिया फ़ानी के साथ ही फना हो गया आखरत में जो कुछ पेश करके वो कोई वजन पा सकता है वो तो लाजिमन कोई ऐसा ही कारनामा होना चाहिए जो उसने खुदा की रज़ा के लिए क्या हो और उसने खुदा की रज़ा के लिए तो कुछ नहीं किया तो जाहिर सी बात है दुनिया फानी के साथ उनके अमल भी उनके अमाल भी फ़ाना हो गए उसमें कोई वजन नहीं लजीन गफ़रूब आयात रब ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयात के साथ गफ्र किया अपने रब की बारगाह में हजूर हाज़िर होने के साथ कुफर किया यानी इनकार किया तो उसके सारे सारेमानत हुए ज़ाये हुए बर्बाद हुए गिर गए क्यामत के रोज़ हम उन्हें कोई वज़न नहीं देंगे जाली का जजा अहम जहन्नम की जजा काफ़िरों की जजा तो जहन्नम है कहते हैं एक दूसरा तर्जुमा ये उनकी सज़ा है यानी जहन्नम बात वही है जहन्नम अतफ बयान है जजा की तो इनकी तफसीर के मुताबिक माना हुआ ये उनकी जजा है यानी जहन्नम मतलब हुआ जहन्नम उनकी जजा है जिन्होंने अपने अब की आयात के साथ कुफ्र किया उसकी मुलाकात का इनकार किया उनकी जज़ा जहन्नम है ये उनकी जजा है बिमा कफरु व आयाती व रसोली उस कुफर के बदले उनकी जजा जहन्नम है बिमा कफ़रु उस कुफ़्र के बदले जो उन्होंने किया बिमा कफ़रु उस कुफर के बदले जो उन्होंने किया, किया। व आयाती व रसोली और उस मज़ाक की पादाश में जो वो मेरी आयत और मेरे रसूलों के साथ करते रहे यानी उनकी जजा जहन्नम है बेक़्रहिम उनके कुफ़र की वजह से इशारा करना चाह रहे हैं कि माँ कफ़रूम में माँ मस्तरिया है उनके कुफर की वजह से और अल्लाह की आयत और अल्लाह के रसूलों का मज़ाक करने की वजह से इज़ीन आम अनु वामिस का नहम जन्नातुल्फिरदोस नज़ोला ख़ालिदी नफ़ी लाअबून अनहे वाला तो कुफ्र का रवैया इख्तियार करने वालों के लिए तो जहन्नम है ईमान लाने वालों के लिए क्या है उसका बयान इस आयत में है इ लज़ीन आमनु अनु वाम अलबत् वो लोग जो ईमान लाएँ वो लोग जो ईमान लाएँ वह अमलहत और अच्छे काम करें कानत लहुम जन्नातलफरदौसिन उनकी मेज़बानी के लिए उनकी ज़ियाफ़त के लिए उनकी मेज़बानी के लिए फिरदौस के बाग होंगे जन्नत जन्नत की जमा उनकी मेज़बानी के लिए फिरदौस के बाग होंगे खालदीन फ़ीहा जिन में वो हमेशा रहेंगे हाल ये हाल है खालिदीन इसी वजह से नसब है उस जिसमें वो हमेशा रहेंगे है वाला और कभी उस जगह से निकल कर कहीं कभी और कभी उस जगह से निकल कर कहीं जाने को उनका जी नहीं चाहेगा ये फिरदस के बाग ऐसे होंगे कि वहाँ से निकलकर कहीं और जाने को इनका जी नहीं चाहेगा हे वाला ए तहुल रिहा रज़ा यानी वहाँ से निकलकर कहीं और जाने को इनका जी नहीं चाहेगा रज़ा अम्बिमा ओ तू जो कुछ इन्हें मिला होगा उस पर ये मुतमिन होंगे हेवला का जो लफ्स आया है उसकी ज़रा तहक़ीक करना चाहते हैं हाल में मकान ही हेवला बोला जाता है अपनी जगह से हटा अपनी जगह से मुंतकिल हुआ मुंतकिल होना ला मजीद अलह इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए यहाँ तक कि उनका नफ्स तनाज़ो करे तनाजो करे उससे उमदा तरीन चीज़ के लिए अपने आर्जुओं के लिए गायतुल गायतलव ये तो ये तो आला इंतहाई दर्जे की तारीफ है कि ये जन्नत ऐसी जन्नत जो अहले ईमान को मैसर होगी ऐसी जगह है कि जो ऐसी जगह है ऐसी हसीन जगह है कि जो जगह उन्हें दस्तियाब होगी उससे हट कर कहीं और नहीं जाना चाहेंगे पूरे तौर पर जन्नती अपने मकाम अपनी जगह से मुतमईन होंगे ये जन्नत की सिफत है जन्नत के बरख़िलाफ़ दुनिया का क्या हाल होता लनल इंसान फिर दुनिया इसलिए कि आदमी दुनिया में कैसी ही बेहतर जगह पर हो उससे अरफा वो आला की तलब रखता है उससे अरफा व आला की तलब कैसे ही जगह कैसे ही मकाम पर क्यों ना हो उससे अरफा व आला की तलब रखता है ये बात वहाँ ना होगी जन्नत में न होगी बल्कि पूरे मतमिन होंगे पूरे तौर पर मतम होंगे वहाँ एक तफसीर तो लाला अबगुना अनहा हेवला की ये थी कि कभी उस जगह से निकल कर कहीं जाने को उनका जी नहीं चाहेगा एक दूसरी तफसीर भी इसकी हो सकती है वला अबगून अनहा हेवला की एक दूसरी तफसीर भी इससे मुराद ये भी हो सकता कि वहाँ से हटेंगे नहीं वहाँ से हटेंगे नहीं हमेशा वहीं रहेंगे तो अब हमेशा वहीं रहेंगे ये बात तो खालदीन से मालूम हुआ कि फिरदौस के बाद में हमेशा रहेंगे तो ये बात तो वहीं से मालूम हुई हाँ मालूम हुई मगर उसी की ताक़ीद है जो बात खालदी फी हा में कहा गया कि फिरदौस के बाद में हमेशा रहेंगे उसी की ताक़ीद है हाँ यकीनन हमेशा रहेंगे वहाँ से हटेंगे नहीं निकाले नहीं जाएंगे कुल लौकान अलबह مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تَنْفَدَ كلمات ربي ولو جئنا بمثله نبي النبي ابكي اقر سمندر میرے رب کے كلمات لكني रोशनाई बन जाए अगर समुंदर मेरे रब के क़लिमात लिखने के लिए रोशनाई बन जाए लनफल बाहर तो समुंदर यानी समुंदर का पानी खत्म हो जाएगा कबल अंतन तनफ क़लिमात तो रब्बी, मगर मेरे रब की कलिमात खत्म ना होंगे व्लो जिन अभी मिसल ही मदद आ बल्कि अगर इतनी ही रोशनाई और ले आए तो वो भी किफ़ायत नहीं करेगी कुल्लू का नल बहरो कहो अगर समुंदर मुफसर कहते हैं समुंदर से बरात समुंदर का पानी है मिदादा रोशनाई बन जाए ले कलिमात रब्बी मेरे रब के कलिमात के लिए यानी मेरे रब के कलिमात को लिखने के लिए अबू उबैदा ने कहा मिदाद किसे कहते हुआ मायूक तब ही उस चीज़ को कहते हैं जिससे लिखा जाता यानी रोशनई लौक तबत कलिमातमिल्ह विकमत ही अगर अल्लाह के इल्म और उसके हिकमत की बातों बातें लिखी जाएं, वकान अलबार और समंदर यानी उसका पानी उसके लिए रोशनाई हो बाहर से जिनसे बारे एक खास समंदर नहीं है नफेद ना ना बाहर, तो समंदर खुश्क हो जाएगा समंदर का पानी ख़त्म हो जाएगा मगर मेरे रब की बातें खत्म ना होंगी बल्कि अगर इतनी ही रोशनाई और ले आएँ तो वो भी किफ़ायत ना करे इतने ही उस समंदर के मानंद मददा रोशनाई लानाफा ऐजा तो ये भी रोशनाई ये रोशनाई या ये समुंदर दूसरे समुंदर का पानी ये भी ख़त्म हो जाएगा वल वलिमात गैरोनाफ़दा मगर अल्लाह की क़लिमात अल्लाह की कलिमात ये ख़त्म ना होंगे अब जो इस फ़िक्रे में है वलो जे न मिसल ही मददा उसका इराब बयान करना चाह रहे हैं कि मददन को नसब है तमीज़ होने के बिना पर जैसे ली मिसल हू में रजोलन को नसब है तमीज़ होने के बिना परबलानफदबहर कबल अन तनफद और एक दूसरी किरत है तनफद कीजिएगा फ़द य ये फ़द हमजा और अली की करत है बाकी कुर्रा हमसा की करत है तनफद और दोनों ग्रामर के हिसाब से दुरुस्त है तनफद का दुरुस्त होना तो वाज़ है य का भी दुरुस्त होना फ़द भी दुरुस्त है इसलिए कि फ़ाइल अगर मोन से ग़ैर हकीकी हो तो अख्तियार है कि फेल को मजक्कर लाएँ या फेल को मुअन्नस लाएँ लिहाजा जिस तरीके से कबल तनफदा दुरुस्त है ग्रामर के हिसाब से वैसे ही फद भी दुरुस्त है ग्रामर के अतबार से तो तनफद कुर्र्रा सबा में से पाँच कुर्रा की किरत है पाँच कुर्रा की किरत है और यन फद हमज़ा की किरत है और अली की किरत है अब ये आयत जो जब हमने पढ़ा कुल्लाउकान बाहर मदद अनकलिमात रबी इसका रबता क्या है रबा क्या है सब नज़ूल क्या है तो उसको मुफसर वाज़ करना चाह रहे हैं उसको मुफसर वाज़ करना चाहते हैं कि कले होया बिन अखतब होया बिन अख्तब ने कहा मुसलमानों से के राम से होया बिन आखतब यहूदी था यहूदी का एक आलिम था बड़ा आलिम था होया बिन अख्तब ने साहब कुछ साहबा से कहा फी किताब कुमह फ़कत ऊतिया खैरन कसीरा तो होया बिन अख्तब ने कुछ बीी से कहा और उसके कहने कहा इसलिए कि तुम्हारी किताब में तारुज़ है और अल्लाह की किताब में तारुज़ नहीं होता तो इसका मतलब ये कि अल्लाह की किताब नहीं है मगर बात उसने यहाँ से शुरू की हुयाबिन अख्तर ने कहा कि तुम्हारी किताब में यानी कुरान मजीद में है कि मैं यू तल हिकम फ़कदूतिया खैरन कसीरा जिसे हिकमत अता की गई उसे खैर कसीर अता की गई बड़ी दौलत अता की गई ये तुम्हारी किताब में है कुरान में है फिर तुम्हारी किताब में ये भी है सुन फिर तुम उसी किताब में ये भी पढ़ते हो क्या पढ़ते हो वह थी तुम तुमको जो इल्म मिला है वो बहुत थोड़ा है तो ये आयत तो ये बता रही है कि तुम्हारी किताब में थोड़ा इल्म है वो आयत बता रही है तुमको खैर कसीर मिला है तो दोनों में तो तारुज़ है फ़नज़ालत तो उस मौके पे अल्लाह का ये कलाम कल लौकान बाहर में दाद अन कलिमा तबी पूरी आयत को पढ़ लीजिए ये आयत नाजिल हुई जिसमें जवाब दिया गया खैर कसर यकीनन हिकमत ख़ैर कसीर है जिसे हमत मिली उसे खैर कसीर मिली मगर जो मिला ये हमारे लिए बहुत है मगर अल्लाह के कलेम के समंदर से एक कतरा है कुल इनमाना बशर واحد नबी ए महबूब आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, मगर मेरे पास वही की जाती है मेरे पास वही की जाती है कि तुम्हारा खुदा तुम्हारा महबूद बस एक महबूद है फमन का नाजू यर्जू ले रब ही तो जिसे अपने रब से मिलने की उम्मीद हो फल सालिहा तो उसे चाहिए कि अच्छा काम करे हैं मन का न यामल हुसन लिकाए रब ही जो शख्स उम्मीद रखता है कि अल्लाह से अपने रब से अच्छी मुलाकात हो और उस मुलाकात से वो राज़ी हो जाए एक तफसीर ये यमान खान याफू लिका रब ही जो शख्स अपने रब से बुरी मुलाकात का खौफ रखता है ये मुराद है वलमुराद बिलका अलकुदलह तो लिका रब ही में लिका से मुराद है कुदू मलह जो अपनी बारगा अपने रब की बारगाह में हाजिर होने की उम्मीद रखता है तो एक कौल तो यह कि लेका यहाँ पर कदम के मान में है हाज़िर होने आने के माने में है और दूसरा कॉल ये है कि लेका यहाँ पर रोइयत के माने में है और यह लफ्ज़ इसी के लिए वजह भी किया गया कील रोइ हु अपने रब के दीदार की उम्मीद रखता है जैसा कि इस लफ्ज़ की हकीकत भी है तो वर्रजा यर्जू ये अपनी हकीकत पर जारी है उसे चाहिए फलियामल अमला सालिहा तो जो उम्मीद रखता है अपने रब की मुलाकात की तो उसे चाहिए कि अच्छा काम करे अमला सालिहा अच्छा काम साले से क्या मुराद है मुफसर कहते हैं खालिस अमल करे खालिस अमल का मतलब ये है कि उस अमल से सिर्फ़ अल्लाह की ऱा मकसूद हो तो वो अमल साले है यानी बंदा जो काम कर रहा है उससे उसका मकसद सिर्फ़ अपने रब को राज़ी करना ये अमल साल है ऐसा मुफसर बताते हैं और उसके साथ किसी और मकसद को खल मलत ना करे तो अमल साले की एक तफसीर तो ये थी दूसरी तफसीर यही बिन माज़ से है कि अमल साल वो अमल है जिससे आदमी शर्माए नहीं वला युशरक बेबादत रब ही अहदाब और अपने रब की बंदगी में और अपने रब की बंदगी में किसी को शर्क न करे व ना ही ऊना शिरक अल्लाह रबुल्जत का ये कलाम अपने रब की बंदगी में किसी को शर्क न करे ये शर्क से नहीं है पहली तफसर और यही इनके नजदीक राजे भी हैं कि जो अपने रब की मुलाकात की उम्मीद रखता है उसे अच्छा काम करना चाहिए चाहिए कि वो अच्छा काम करे और किसी को किसी को अपने रब के साथ शरीक भी ना करे तो अच्छी मुलाकात और दीदार के लिए दो बातें हैं दोष एक ये कि अच्छा काम करे और दूसरे ये कि किसी को अपने रब का शरीक न ठहराए नहीं ही उन्होंने शिरक बरायू शर्क विबादत रब ही ये शिरक से नहीं है एक तफसीर दूसरी तफसीर ये है कि यहाँ शिरक़ से मुराद रिया है और नहीं रिया या ये रिया से नहीं है रियाकारी ना न करें अपने रब की बंदगी में रियाकारी न करें अपने रब की बंदगी में ये दूसरी तफसीर है और रिया तो रिया की तबीर शिरक़ से क्यों दुरुस्त होगी तो उस ताल्लुक से मुफसर कहते हैं कि खाल सल्ह वसलम नबी करीम सलील आल वसम ने फरमा इत कल असगर नबी करीम फरमाया शिरक असगर से बचो कालू साहबा ने अर्ज़ किया म शर्क असगर या रसोल्ला ये शिरक असगर क्या है कल रिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि शिरक रिया है तो इस तौर पर मुमकिन है कि यहाँ पर लायु शर्क शिरक से मुराद रिया हो यानी अपने रब की बंदगी में दिखावा ना करे किसी को दिखाने के लिए रब की बंदगी ना करे कल रिया आप ने फरमाया कि शिर की असगर रिया है तबसर गुजर गई इसके बाद मुसनफ़ सूर कहफ की फजीलत बयान करना चाह रहे हैं मन कहरा है सूरत अल कहफी फवा मासूम समानियत अकुलफ नको वफसर कहते हैं कि रसोल सल्हल् ने फरमाया कि जो शख्स सूर कहफ की किरात करेगा तिलावत करेगा सुरः कहफ को पढ़ेगा तो वो आठ दिनों तक हर आने वाले फितने से महफूज रहेगा फहीखरुज दज्जाल फितल का समानिया यहाँ तक कि इन आठ दिनों के दरमियान में अगर दज्जाल भी निकल आए तो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा सूरह कहफ की बरकत से फितने दज्जाल से ये सूरह कहफ की

वो मन कराए और जो तिलावत करेगा अल्लाह तबारक ताल के इस कलाम की कुल इनमा अना बशरम मिसल कम यूहा आखिर आयत तक इन द मज मज़ जय ही जो तिलावत करेगा अल्लाह ताला के इस कला में मुबारक की अपने ख्वाब के वक्त अपने सोने के वक्त ना लहू नूर तो इसके तिलावत करने वाले के लिए एक नूर होगा एक रोशनी होगी जो उसके ख्वाबगाह से मक्का तक जगमगाएगी या तलालाओ जग मगाएगी उस नूर के अलावा अल्लाह के बहुत से फरिश्ते होंगे जो सलून ना जो उसके लिए इस्तेफार करेंगे दुआ करेंगे उसके नींद से बेदार होने तक दुआ करते रहेंगे यहां तक के वो अपने नींद से बेदार हो वह इनकाना माज जा हो बेमक्का और अगर तिलावत करने वाले की खाबगाह मक्का में है और वो इस की तिलावत करेगा कुल आना बशर अलाया इसकी तिलावत करेगा तो उसके लिए एक रोशनी होगी जो उसके खॉब से बैत मामूर तक जगमगाएगी और इस नूर के अलावा अल्लाह के बहुत से फरिश्ते होंगे जो उसके खातिर दुआ करेंगे और माफ मफ़रत इस्तफ़ार करेंगे उसके लिए यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए आज का हमारा दर्स और ये सूरह सुरह अल्लाह के फजल करम से उसकी तफसीर मुकम्मल हुई अल्लाह रबुल्ज़त का बेपना शुक्र है कि मुझे इस सूरह के तफसीर यानी तफसीर मदारक में इस सूरह की जो तफसीर है उसके सुनाने की तौफीक दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला तला इसे कबूल फरमाए और मुझसे मुझसे इसके बयान करने में इसके तलफ़ में जो भी भूल चूक ग़लती हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ दुआ है कि अल्लाह रब्बुल मुझ मजगुनहगार बेइल्म हक़ीर को माफ़ फरमाए अनिल तवाना रब्बिल आलमीन